कच्चा चिट्ठा में इस वक्त की बड़ी खबर, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर एक बहुत ही बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता आलोक कुमार ने दावा किया कि अखिलेश यादव को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में निमंत्रण दिया जाएगा, यानी कि अखिलेश यादव को भी न्योता यहां पर पहुंचेगा। और आज पूरे दिन देश के अंदर डिंपल यादव का एक बयान ट्रेंड करता रहा। डिंपल यादव ने खुलकर कहा कि अगर राम मंदिर के कार्यक्रम में निमंत्रण मिला, न्योता मिला तो जरूर जाएंगे, और अगर निमंत्रण नहीं मिला तो भी बाद में जरूर जाएंगे। लेकिन आज ही समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की भी काफी चर्चा रही, जिन्होंने हिंदू धर्म पर सवाल उठा दिए। क्या वाकई में समाजवादी पार्टी बदल रही है या फिर वही पॉलिटिक्स का डबल गेम यहां पर चल रहा है? अगर निमंत्रण आएगा तो निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। राम मंदिर बनाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम ये बड़प्पन है उस न्यास का, ये बड़प्पन है केंद्र सरकार का, जिन्होंने सबको निमंत्रण दिया। अपने अपने कमरों में बैठ करके ये राम मंदिर कैसे बन गया रो रहे हैं, वो आएंगे भी नहीं। हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है, और इसके पीछे हमारी बुनियादी समझ है। जो राम रची राखा, तो जो हरी इच्छा न्योता सबको गया है, लेकिन पहुंचेंगे वही राम चाहेंगे। की राजनीतिकरण जो हो रही है इस पूरी की पूरी इनॉग्रेशन की, उससे हमारी ये आपत्ति है। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन की आवश्यकता विपक्ष वालों को ही है, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और जब तक राम के शरण में वो जाएंगे नहीं, राम को समझेंगे नहीं, तब तक उनकी बुद्धि शुद्धि नहीं होगी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु श्री राम का नाम ही ऐसा है कि नाम लेते ही सब मंगलमय होने लगता है। लेकिन भारत की राजनीति में प्रभु श्री राम के नाम पर धर्म युद्ध छिड़ गया है। जैसे जैसे श्री राम मंदिर के अंदर राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे विपक्ष की बेचैनी बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा बेचैनी यूपी के अंदर देखी जा रही है। इसकी वजह यह है कि यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, और यूपी के अयोध्या में ही श्री राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। मंदिर लोकार्पण के लिए तैयार है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी साल 2019 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से 62 पर जीत हासिल की थी, तो वहीं 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 71 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब राम मंदिर बनकर दर्शन के लिए तैयार है, तो ऐसे में बीजेपी 2014 की परफॉर्मेंस रिपीट करने की उम्मीद कर रही है। लेकिन यूपी के अंदर बीजेपी के सामने मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ही हैं। अखिलेश मोदी के खिलाफ बन रहे महागठबंधन में भी शामिल है, लेकिन अब मुश्किल ये है कि विपक्ष को साल 2024 के चुनाव में भी राम लहर का डर सता रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, और अखिलेश पर आरोप लग रहा है कि हिंदू धर्म पर कई विवादित बयानों के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में प्रमोशन करके महासचिव बनाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के भाषणों में उनका सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पर रहता है कि हिंदू धर्म में समानता नहीं है और जातियों में बंटवारा है। बीजेपी की रणनीति तो साफ नजर आती है, बीजेपी राम मंदिर के नाम पर जाति तोड़कर हिंदू जोड़ने की राजनीति करती दिख रही है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जातियों के नाम पर हिंदू धर्म को बांटने की राजनीति करना चाहते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब गोरखपुर देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। स्वामी प्रसाद मौर्य तथ्यात्मक रूप से कितने सही हैं ये तो वही जाने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म को नहीं बल्कि हिंदुत्व को एक जीवन पद्धति कहा था। 11 दिसंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे एस वर्मा की बेंच ने फैसला देते हुए कहा था कि हिंदुत्व शब्द भारतीय लोगों की जीवन शैली की ओर इंगित करता है, हिंदुत्व को सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। 1995 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हिंदू धर्म के धर्म होने या नहीं होने पर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ना सिर्फ मंच पर दिए गए अपने भाषण पर कायम है बल्कि वो यही बात दोबारा अपने बयानों में भी दोहरा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब गोरखपुर देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। समाजवादी पार्टी की नीति क्या है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी कोई ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रही है? क्योंकि इसी तरीके के सम्मेलन में अखिलेश यादव ने अपने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया है कि धर्म को लेकर कोई विवादित बयान ना दे। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बातों को नजरअंदाज करते हुए विवादित बयान दिया है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक ही पार्टी के दो बड़े बड़े किरदार इस तरीके का बयान देकर वोट बैंक साधने की राजनीति कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जैसे ही हिंदू धर्म पर प्रश्न उठाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान चर्चा में आया, वैसे ही समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने दो महत्वपूर्ण बयान अलग अलग समय में दिए। सबसे पहले डिंपल यादव ने श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की प्रशंसा की, और इसके बाद डिंपल यादव ने साफ साफ कहा कि अगर निमंत्रण मिला तो मैं जाऊंगी और अगर निमंत्रण नहीं मिला तो मैं बाद में राम मंदिर जाऊंगी। मैं समझती हूँ कि जो कार्यक्रम हो रहा है अच्छा है, कार्यक्रम हो रहा है, और राम जी का जो अस्तित्व है, जो राम जी क्या चाहते हैं, राम जी चाहते हैं कि हम सबके मन में राम बसे। जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, उन स्वभाव को हमको अपनाना है, उसको ग्रहण करना है और लगातार उसी पथ पे चलना है जिस पथ पे राम जी चले थे, जो सच्चाई का पथ है, जो ईमानदारी का पथ है, जो सबको मिलकर चलने का पथ है। तो मेरा मानना है कि सभी देशवासियों को राम जी को ग्रहण करने का समय से ही समय। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण राम लला ट्रस्ट की तरफ से? और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। इस बयान से साफ संदेश मिलता है कि समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं एक उहापोह और बेचैनी की स्थिति बनी हुई है। मतलब ये कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके उसमें ये आज वो उसका जश्न मना रहे हैं 22 तारीख को, तो मुसलमान, इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुसलमान को ये रूहानी तकलीफ है, और ये 22 का दिन मुसलमानों मैंने हिंदुस्तान की तारीख में काले हरफों में लिखा जाए। आइए जरा देखते हैं राम मंदिर पर अब तक किस किस राजनेता को निमंत्रण जा चुका है। अब तक कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को श्री राम मंदिर के अंदर गर्भगृह में श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण जा चुका है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जनता दल सेकुलर के अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को भी निमंत्रण भेजा जा चुका है, और CPM के महासचिव सीताराम येचुरी। हालांकि सीताराम येचुरी की पार्टी CPM ने इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है,
सीताराम येचुरी की तरफ से कहा गया है कि मंदिर के नाम पर राजनीति हो रही है, इसलिए वो कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। लेकिन वृंदा करात ने मीडिया के सामने पार्टी के बुनियादी उसूलों का भी जिक्र किया है। हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है, और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं, और मैं समझती हूँ ये धार्मिक भावनाओं को भी लॉन्ग रन में वो, क्योंकि पॉलिटिक्स जब धर्म को हथियार के रूप में देखेगा तो धर्म की इज्जत भी नहीं रहती। अब सीपीएम के विरोध में बीजेपी की तरफ से एक के बाद एक बयानों की झड़ी आ गई है। कई बीजेपी सांसदों ने कार्यक्रम से दूरी बनाने वालों को राम विरोधी कहना शुरू कर दिया है। उनको पॉलिटिसाइज शब्द से नफरत नहीं है, उनको नफरत है भगवान राम के उस मंदिर से। जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, जो राम भक्तों के विरोधी हैं, जो मंदिर निर्माण सहन नहीं कर पा रहे हैं, ये हनुमान जी महाराज की गदा उसी के लिए है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दिल्ली में एक अस्पताल है, दिल्ली से दूर है, आगरा के पास है, इनको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए, बढ़िया से वहाँ इंजेक्शन देते हैं। बीजेपी की बड़ी विजय के बाद देश के बदलते राजनीतिक माहौल में अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी और उसके साथियों को 2024 की सबसे बड़ी चुनौती से जूझना होगा, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम वोट और तुष्टिकरण का चक्रव्यूह है और दूसरी तरफ हिंदुओं का समर्थन पाने की चुनौती भी है।